हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकली न्यूज़ की पहली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। तो शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से, जो है निसान मैगनाइट की तरफ से। निसान मैगनाइट की फेसलिफ्ट को फिर से टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। इस फेसलिफ्ट में हमें छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि नए ग्रिल, नया डिजाइन की टेल लैम्प, 16 इंच की अलॉय व्हील, 6 एयरबैग्स, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। इंजन पहले वाला ही मिल सकता है, दो तरह का, 1 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। दूसरी न्यूज है हुंडई ग्रैंड आइटन नियोस की एक और एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट एडिशन, और इस एडिशन की एक शोरूम कीमत है 6,93,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं तो अगली न्यूज है हुंडई क्रेटा की तरफ से। हुंडई क्रेटा की फेसलिफ्ट को लॉन्च हुआ है, बस 3 महीने ही हुआ है और अभी से इसका 1 लाख यूनिट बुक हो चुका है। तो हुंडई को बहुत बहुत बधाइयां, और क्रेटा में अभी 6 महीने का वेटिंग पीरियड भी चल रहा है, तो इसलिए इन लोगों को जल्दी से जल्दी डिलीवरी दे देनी चाहिए। अगली न्यूज है किया ने दिसंबर 2023 में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में क्लेविस नाम को ट्रेडमार्क किया था, और अभी हैदराबाद में इसे टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। कब लॉन्च होगा पता नहीं, पर इस गाड़ी में बहुत चांसेस है लेवल 1 की एडास मिलने का। अल्फा रोमियो, जो 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, अपने ब्रांड की फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को टीज किया है। ये एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर होने वाला है। इस गाड़ी में 54 किलोवाट की बैटरी पैक दिया जाएगा, जो लगभग 154 BHP और 237 NMF टॉर्क जनरेट करेगा। अगली न्यूज है मारुति सुजुकी की तरफ से। मारुति सुजुकी ने भारत NCAP में अपनी 3 गाड़ी भेजने वाले, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा और बलेनो। मारुति को उम्मीद है भारत NCAP में ये गाड़ियां 5 स्टार स्कोर कर लेगी, लेकिन अभी तक ग्लोबल NCAP में मारुति का सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली गाड़ी है विटारा ब्रेजा, जो 4 स्टार हासिल किया था। अगली न्यूज है महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा XUV 300, जो एक वक्त में काफी पॉपुलर SUV रहा है, उसका फेसलिफ्ट XUV 300 को 29 अप्रैल को अनवील किया जाएगा। इसका बुकिंग भी चालू हो चुका है। 21,000 रुपए की अमाउंट के साथ आप इस गाड़ी को बुक कर सकते हैं। मारुति सुजुकी ने अपनी 2 गाड़ियों का प्राइस बढ़ाया है, स्विफ्ट में 25,000 और ग्रैंड विटारा की सिग्मा वेरिएंट में 19,000 की प्राइस बढ़ाया गया है। और उसके बाद ही कमाल हो गया, उसके बाद ही मारुति सुजुकी का 2% शेयर घट गया है प्राइस बढ़ाने के कुछ ही टाइम बाद। तो इसीलिए कहते हैं ना भाई, ये काम करो तरीके से। अगली न्यूज है 2 व्हीलर की तरफ से। तो बजाज पल्सर N250 की अपडेटेड वर्जन को लॉन्च कर दिया गया है 1.51 लाख रुपीज की एक शोरूम प्राइस पर, और इस अपडेट में थोड़ी बहुत नई चीज ऐड किया गया है, जैसे कि फ्रंट USB फोक्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, कॉल एंड SMS अलर्ट, कॉल एक्सेप्ट और रिजेक्ट बटन, नए इंस्ट्रूमेंट कंसोल और नए ग्राफिक्स। अगली न्यूज है बजाज की तरफ से। बजाज ने कन्फर्म की है 3 मई को NS 400 को लॉन्च कर दिया जाएगा। NS 400 में 373 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा, उसी के साथ फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED हेडलैम्प, LED DRLs, ट्विन LED टेल लैम्प, LED टर्न इंडिकेटर्स, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डुअल चैनल ABS, फ्रंट USD फोक्स जैसे फीचर्स आपको इस बाइक में मिलने वाला है। और इस बाइक की एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो लगभग 1,90,000 रुपए तक की हो सकती है एक शोरूम प्राइस। अल्ट्रा वायोलेट, जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाती है, अल्ट्रा वायोलेट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी ने अपनी F77 की वारंटी पीरियड को एक्सटेंड किया है 8 साल तक, वो भी अलग अलग पैकेज में, जिसमें पहला है UV केयर 3 साल और 30,000 किलोमीटर तक, दूसरा है केयर प्लस 5 साल और 50,000 किलोमीटर तक, और तीसरा है UV केयर मैक्स जो कि है 8 साल और 8 लाख किलोमीटर तक। अगली न्यूज है कावासाकी वर्सेस 650 को लॉन्च कर दिया गया है 7,77,000 रुपए की एक शोरूम कीमत पर। इस बाइक में हमें 649 cc पैरेलल ट्विन इंजन मिलने वाला है, जो लगभग 65.7 BHP और 61 NMF टॉर्क जनरेट करता है। तो फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताना आपको और न्यूज कवर अप देखना है कि नहीं। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।